रियल न्यूज हरियाणा। और आज टोहाना के अंदर जाम लगाया गया था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले किसान ने नरेंद्र मोदी से बात की थी, उसके गांव ने इकट्ठा होकर उस किसान का जो बहिष्कार किया था और उस गांव के सरपंच को फतेहाबाद डीसी ने धमकी दी है, उसी के बारे में आज टोहाना के अंदर जाम लगाया गया था। उसकी जो पूरी डिटेल है वो जानेंगे। हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज जो आपने टोहाना के अंदर जाम लगाया था, क्या कारण था उसका? जो उपायुक्त महोदय ने नाडोड़ी की पंचायत है उसके खिलाफ जो एक मतलब जारी किया है उसके खिलाफ उसके विरोध में हमने ये जाम लगाया था। सर बताया जा रहा है कि डीसी द्वारा उनको धमकी भरे जो फोन कॉल्स आए थे उसके बारे में क्या कहना है? क्या अब जो सरकार है डीसी द्वारा या किसी द्वारा किसानों को धमकियां दवा रही हैं? दरअसल बात यह है कि जो बंदा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई थी, जिसने प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करा था, उससे प्रधानमंत्री ने जो बोला उससे झूठ बोला। और पंचायत ने जो रेजुलेशन पे लिख के दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरासर झूठ बोला है, भी ये झूठ की राजनीति प्रधानमंत्री ने नहीं करनी चाहिए। किसानों का आज देश में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में ऐसा सिस्टम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बाकायदा उपायुक्त महोदय ने डीसी साहब ने अपने सरपंच को पूरी पंचायत को एक रेजुलेशन लिखा है, उसके खिलाफ एक वो दिया कागज दिया है कि भी इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, ये मैटर है। तो हमारे साथ और भी हैं, उनसे जानेंगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए पिछले 28 तारीख को दिसंबर की बात है, नाडोड़ी गांव में एक सामूहिक पंचायत हुई थी जो पूरे गांव को बुलाया गया था और उसके आसपास के किसानों को भी बुलाया गया था। वहां के किसान ने हरि सिंह ने प्रधानमंत्री से बात की थी और उसने झूठ बोला है, क्योंकि उसने कहा मैं नींबू बाहर बेचता हूँ। हालांकि किसान से उसके मुँह से सच्ची निकल गई कि मैं मंडी में बेचता हूँ, और प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा अच्छा आप बाहर बेचते हो, ज़्यादा पैसा कमाते हो। प्रधानमंत्री जी ने इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया, आप एपीएमसी से बाहर बेचते हो, जबकि एक आम किसान को ये नहीं पता कि एपीएमसी क्या होता है। यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है, एपीएमसी किसान को नहीं पता था, उन्हें कहा कि आप बाहर एपीएमसी से बाहर मतलब मंडी के बाहर। तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री ने और उन्होंने देश को झूठ बोलकर गुमराह किया। इसी विषय पर एक पंचायत रखी थी, पंचायत में सारे सभी गांव के किसान इकट्ठे हुए थे, न कि एक अकेला सरपंच हुआ था, पूरी गांव के होते, वहां सरपंच भी मौजूद आया था। तब रेजुलेशन पास किया था कि जो उसके जो नींबू है, वहां के ग्रामीणों ने बताया भी, आप देख सकते हो कि जो नींबू है वो गौशाला में गिरता है और मोदी जी कह रहा है आपको ज़्यादा भाव मिलते हैं, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसी कड़ी में उपायुक्त महोदय फतेहाबाद ने सरपंच को एक नोटिस जारी किया कि आप अपनी लेटर पैड का आपने गलत इस्तेमाल किया, जबकि सरपंच एक ग्राम पंचायत की अपनी स्वतंत्रता है कि वो जो भी उसका जो पंचायत के मतलब अधिकार क्षेत्र है कि वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन यहाँ प्रशासन ने उसके ऊपर ही दबाव डालना शुरू किया कि आपने गलत किया। तो हम इस कड़ी में फतेहाबाद डीसी की निंदा करते हैं कि उन्होंने गलत किया, दबाव की राजनीति जो कर रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है। और उसी कड़ी में आज हमने टोहाना में सांकेतिक एक डेढ़ घंटे का जाम लगाया है, तहसीलदार ने यहाँ आकर के ज्ञापन लिया है, पूरे टोहाना के किसान यहाँ इकट्ठे थे और हमने साफ तौर पर तहसीलदार को चेता दिया, ज्ञापन दिया है, साफ कह दिया है कि या तो फतेहाबाद डीसी अपना स्पष्टीकरण वापस ले, वरना हम पूरा फतेहाबाद डीसी को भी घेरेंगे, टोहाना एसडीएम को भी घेरेंगे और सारे रोड जाम कर देंगे। पूरी के पूरे किसान नाडोड़ी पंचायत के आज साथ है, उन्होंने एक सच्चाई का साथ दिया है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि आज ये एक आंदोलन एक अकेले किसान का आंदोलन नहीं है, ये मजदूर का है, व्यापारी का है, एक जन आंदोलन बन चुका है। उसी कड़ी में उन्होंने साथ दिया और उस सच्चाई को दबाने के लिए फतेहाबाद डीसी उस पर दबाव डाल रहा है, सरपंच पर, जो गलत है। तो देखा आपने कि किस तरह से डीसी द्वारा सरपंच महोदय पर दबाव डाला गया और उसको जो नरेंद्र मोदी के साथ बात की थी, किसान के जो पंचायत ने उसके खिलाफ रेजुलेशन पास किया था उसको दबाने के लिए डीसी ने भी सरपंच पर दबाव बनाना शुरू किया, उसी को लेकर आज टोहाना के अंदर जाम लगाया गया था और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। तो आगे आप देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा।